हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक आईआरसीसी ने एक मेमो इशू किया है जिसमें कनाडा के इमिग्रेशन को लेके कुछ अपडेट्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उन अपडेट्स में ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज, ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं है। इफ यू फॉलो न्यूज और सोशल मीडिया तो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, बट अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बिकॉज आज के वीडियो का टॉपिक वही है। आज पहले तो हम वो मेमो डिस्कस करेंगे कि उसमें लिखा क्या है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स यू, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट स्टेप्स। मतलब मेमो तो आ गया, अब आगे करना क्या है। ये सेकेंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल टेल यू योर ऑप्शंस ऑन हाउ यू कैन स्टिल मेक योर कैनेडियन ड्रीम कम ट्रू। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेमो के फर्स्ट पॉइंट में दे आर सेइंग कि जो फेडरल हाई स्किल एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हैं वो पॉज हो रहे हैं टिल 31 जनवरी 2022। उसके आगे का कोई अपडेट नहीं लिखा है, तो वी कैनॉट नो फॉर श्योर कि उसके बाद क्या होगा। आई नो थोड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है कि ड्रॉज बंद हो रहे हैं हमेशा के लिए, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस मेमो में। नेक्स्ट पॉइंट में दे आर सेइंग कि कोविड को लेकर जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे थे इन 2020 एंड 2021, उसकी वजह से जो फेडरल हाई स्किल एप्लीकेशंस की इन्वेंट्री है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, एंड जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है 6 मंथ्स का, उससे काफी ज्यादा टाइम लगेगा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में अब। उसके बाद दे हैव एक्सप्लेन्ड कि जो FHS स्ट्रीम में इन्वेंट्री होगी इनके पास बाय द एंड ऑफ ईयर 2021, that will be more than sufficient to meet their admission target of 2022. FHS stream includes federal skilled worker, federal skilled trades and Canadian experience class. तो मतलब 2021 के एंड तक इनके पास जितनी भी applications होंगी इन्वेंट्री में वो इनफ होंगी टू मीट देयर 2022 का एडमिशन टारगेट। नेक्स्ट पॉइंट में दे आर सेइंग कि जो FSW के ड्रॉ हैं, दे आर पॉज्ड सिंस 2020 एंड दे हैव इनवाइटेड मोर एप्लीकेंट्स फ्रॉम TR टू PR एंड Canadian experience class. एंड वी हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ ड्रॉज इन दिस कैटेगरी लास्ट ईयर, and this was done to support their 2021 admission targets. And then on next page, they are saying कि जो FHS की inventory है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई in last 2 years, and now to achieve their standard processing time of 6 months, they would need to reduce the size of current inventory by half before inviting anyone new. And इनका जो multi-year plan है, 2022 to 2024 का, उसमें FHS के targets will be reduced by 50%. जैसे पहले FSW के draws में 110 के invitations जाते थे, now they'll be aiming at 50% of that. इस reduction का जो reason वो बता रहे हैं वो ये है that they want to accommodate admissions in other streams as well. So this might not be a good news for FSW applicants. जो पूरा detailed plan होगा that will be released in Feb and then we'll know more about it. And next point में they have highlighted कि 2022 के start में they have around 76,000 FHS applicants, जो कि उनकी 2021 to 2023 के admission targets से भी ज़्यादा है. So they will not be able to take any new intake for at least first half of 2022. उनके पास already इतने लोग inventory में, which will be enough for their admission target. Next they are saying कि FSW का current processing time is 20.4 months, जो कि standard 6 months processing time से काफी ज़्यादा है. And this time is expected to grow to 36 months as they work on older inventory. जो processing time है CAC का, that is 7.6 months, which is not too bad. And then they are saying कि जो एक्सप्रेस एंट्री का पूल साइज है, it will continue to grow this year. And जो next cut off आएगी, it will be above 500. And first draw आने के बाद 6 months लगेंगे cut off को नीचे आने में. And last में they have said that they will continue to invite PNP candidates on a bi-weekly basis. So PNP will be the way to go in 2022. See, please understand that it's just a memorandum and nothing has been finalized yet. We will have to wait and see कि डेप्यूटी मिनिस्टर इनमें से क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं। फरवरी में इनका मल्टी ईयर प्लान आएगा फॉर 2022 टू 2024 एंड देन वी विल नो फॉर श्योर। बट लेट्स से अगर इनमें से सब कुछ एक्सेप्ट हो गया तो FSW के जो टारगेट है दे विल रिड्यूस बाय हाफ। एक और चीज, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ये नहीं कहा दैट वी आर स्टॉपिंग इमिग्रेशन। इनके जो एनुअल टारगेट्स होते हैं, जो साल के 400 के एंड 3 साल में 1.2 मिलियन एडमिशंस, आई थिंक वो टारगेट सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनली दे माइट डिसाइड टू गिव मोर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास इन्विटेशन, मे बी मोर PNPs एंड इवन मोर TR टू PR वीजा एज वेल। सी, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है फॉर FSW कैटेगरी, बट एट दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक वॉट एल्स कैन वी डू, हाउ कैन यू कम टू कैनेडा। फर्स्ट ऑप्शन इज PNP. आई पर्सनली फील दैट PNP विल बी इन डिमांड दिस ईयर एंड इट विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू टू कम टू कैनेडा। 2021 में कनाडा ने कहा था दैट दे विल इशू 80K PNP, विच इज अराउंड 20% ऑफ देयर एनुअल टारगेट, दैट इज 400K. आई सीरियसली फील दैट दिस 80K नंबर विल गो अप। इफ यू लुक एट ऑन्टारियो वेयर आई लिव,
तो ऑन्टारियो भी रेगुलर बेसिस पे पीएनपी इशू कर रहा है इन द रेंज ऑफ 455 टू 467 सीआरएस स्कोर एंड आई एम होपिंग जो बाकी के प्रोविंस है जैसे कि अल्बर्टा हो गया, सस्कैचुआन हो गया या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, दे ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग द सेम. एंड इन फैक्ट जो मेमोरेंडम है उसमें भी यही लिखा हुआ है दैट पीएनपी विल बी इन डिमांड. तो अगर आपका स्कोर कम है देन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू ट्राई पीएनपी एंड फॉलो ईच प्रोविंस वेरी क्लोजली एंड सी व्हाट दे आर डूइंग विद पीएनपी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टडी वीजा. स्टडी वीजा पे भी आप कैनेडा आ सकते हैं एंड दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू कम टू कैनेडा. कैन कम हियर, डू अ वन ईयर डिप्लोमा एंड गेट 15 एडिशनल पॉइंट्स इजिली. उसके बाद इफ यू ऑल्सो गेट कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस तो यू विल गेट मोर पॉइंट्स. लेट्स से अपनी एजुकेशन के बाद आपने यहाँ पे एक साल काम कर लिया तो यू विल गेट 35 to 40 पॉइंट्स डिपेंडिंग कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं. एंड आपके पास 15 पॉइंट्स तो हैं अपनी एजुकेशन के, तो आपका जो ओवरऑल सीआर स्कोर है विल बी इम्प्रूव्ड बाय एटलीस्ट 50 पॉइंट्स. यू माइट गेट सम एडिशनल पॉइंट्स इन स्किल ट्रांसफरबिलिटी फैक्टर्स ऑल्सो विच वी विल डिस्कस विद नेक्स्ट ऑप्शन. तो देखा जाए इस ऑप्शन के साथ योर स्कोर कैन इजिली क्रॉस 500 इफ योर ओरिजिनल स्कोर वॉज इन रेंज ऑफ 450 सीआर स्कोर. नेक्स्ट ऑप्शन इज वर्क परमिट. यू कैन कम टू कैनेडा डायरेक्टली ऑन अ वर्क परमिट विदाउट द स्टडी ऑप्शन. यू कैन ट्राई फॉर इंटरनल कंपनी ट्रांसफर एज दिस इज द इजिएस्ट वे. गेटिंग जॉब इन कैनेडा फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा इज नॉट दैट ईजी. इट इज पॉसिबल बट नॉट दैट ईजी. यू नीड टू नो द राइट काइंड ऑफ पीपल. दैट्स वाई ऑलवेज सजेस्ट इंटरनल कंपनी ट्रांसफर इफ पॉसिबल. सो इफ यू कम विद दिस ऑप्शन यू कैन इजिली गेट 35 to 40 पॉइंट्स विद वन ईयर ऑफ कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस डिपेंडिंग आप मैरिड है या सिंगल, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. एंड दीज एडिशनल पॉइंट्स कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर सीआरएस स्कोर. तो अगर सीआरएस की कट ऑफ एक्चुअली में 500 क्रॉस होगी एज पर द मेमो, दिस इज योर बेस्ट चांस. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका स्कोर सीआरएस की कट ऑफ जितना नहीं बनता, नो वरीज, कैन स्टिल गेट मोर पॉइंट्स विद एवरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन कैनेडा. सो इफ यू वर्क 2 years इन कैनेडा यू विल गेट मोर पॉइंट्स एंड सो ऑन. वन मोर थिंग, यू कैन गेट मोर पॉइंट्स इन स्किल ट्रांसफरबिलिटी फैक्टर्स अगर आपने इस सेक्शन में ऑलरेडी 100 पॉइंट स्कोर नहीं किए हैं तो. इफ यू हैव फॉरन वर्क एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद योर कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस यू कैन गेट मोर पॉइंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट दिस विल ओनली हेल्प इफ यू हैव फॉरन वर्क एक्सपीरियंस एंड यू हैव ऑलरेडी नॉट स्कोर्ड 100 पॉइंट इन दिस कैटेगरी. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर एबल टू गेट अ जॉब ऑफर इन कैनेडा यू कैन गेट एडिशनल 50 पॉइंट्स. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ऑप्शन इज बिजनेस इमिग्रेशन. आई नो दिस ऑप्शन माइट नॉट वर्क फॉर एवरी वन. यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर बिजनेस इमिग्रेशन. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू. दैट्स इट. तो गाइस आज के लिए इतना ही. आई होप जो भी मेमो में अपडेट्स थे वो मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूं एंड आपको और ऑप्शन दे पाया हूं दैट वॉट एल्स कैन यू डू टू कम टू कैनेडा. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज एड टू द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल के सपोर्ट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर गाइज.